जाहिदा परवीन और आज मैं आप लोगों के सामने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करूंगी, जिसको हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस, इको डे और वेब डे के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे देश में नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा अधिक देशों में इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि केवल एक देश विश्व पर्यावरण दिवस की समस्या को हल कर सके ऐसा हो नहीं सकता। यह हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने और प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्रदूषण की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस विश्व पर्यावरण दिवस का शुरुआत की गई। हर साल 1973 से लेकर हर साल 5 जून को इस दिवस को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने की वजह से हमारे प्रकृति का संतुलन काफी बिगड़ गया है। वायु प्रदूषण जैसे समस्या काफी बढ़ गई है। आपको बता दूं तो 1.2 मिलियन लोग हमारे यहाँ 1.2 मिलियन लोग वायु प्रदूषण की वजह से मौत हो रही है। उसके अलावा जल भी काफी प्रदूषित हो गया है। इन्हीं सब समस्याओं का ध्यान रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई। पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो सके, बात इतनी सी है कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, अपने प्रकृति को स्वच्छ रखना है। पर्यावरण के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। सुंदर और स्वच्छ उदाहरण हमारे बिहार में देखने को मिलता है, हमारे बिहार के अररिया जिले में। अररिया में हमारा एक खुशियार गांव है, जहां पर एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया, जो बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। वहां 180 अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे हैं। वहां का वातावरण इस बायोडाइवर्सिटी पार्क की वजह से काफी शुद्ध रहता है। उसके अलावा हमारे पूर्णिया जिले में भी एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, जो ध्रुव उद्यान है। उसकी वजह से हमारे आस पास के वातावरण में काफी बदलाव आया है, काफी वहाँ की हवा शुद्ध हो गई है। लॉकडाउन की वजह से वायु में प्रदूषण काफी कम हो गया है, वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया, हमारी हवा काफी स्वच्छ हो गई। जहाँ पटना बिहार और बाकी जिले सब में हवा में जहर फैला रहता था, वो काफी कम हो गया है। उनके बाद भी अगर थोड़ी सी भी सतर्कता बरतते हैं तो प्रदूषण की मात्रा वैसे भी कम हो सकती है और हमारा पर्यावरण काफी सुखद रहेगा। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमें कभी भी अपनी सुख सुविधा के लिए पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, और आप लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि इस पर्यावरण दिवस एक पेड़ जरूर लगाएं। आप देखिए कि हमारे आसपास भी इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इसके वजह से हमारा वातावरण काफी शुद्ध रहता है। आपको अपनी सुविधा के लिए कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ इस पर्यावरण दिवस एक पौधा जरूर लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जो कि हमारे वातावरण को काफी शुद्ध रखता है। इस भाषण को मैं अंत करने से पहले आप लोगों से दो खूबसूरत पंक्ति शेयर करना चाहूंगी। बंजर धरती की यही पुकार, बंजर धरती की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो इनका श्रृंगार, पेड़ लगाकर करो इनका श्रृंगार। पंक्तियों के बाद मैं आप लोगों से एक कविता शेयर करना चाहूंगी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं, खुली हवा में सांस ले बीमारी को दूर भगाएं, खुली हवा में सांस ले बीमारी को दूर भगाएं। आओ मिलकर